बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चों में रहती है। बीते दिनों एक्ट्रेस ने अपने 4 साल पुराने रिश्तों का हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया। पिछले काफी समय एक्ट्रेस 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड रोमन शॉल को डेट कर रही थी। ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती है। इसी बीच अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी बेटियों के साथ एक छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है, जिसके बाद फैंस यही उम्मीद लगा रहे हैं कि सुष्मिता ने अब एक बेटे को भी गोद लिया है। सुष्मिता की 2 बेटियां हैं, एक उन्होंने साल 2000 में और दूसरी साल 2010 में गोद ली थी। दोनों का नाम रीनी और अलीशा है। वही अब खबरें आ रही है कि सुष्मिता सेन ने अब एक बेटे को गोद लिया है। सुष्मिता तीनों बच्चों के साथ बेहद ही खुश नजर आ रही थी। हालांकि इस दौरान मास्क लगा होने की वजह से उनके बेटे का पूरा चेहरा दिख नहीं पाया। वीडियो में देख सकती है कि सुष्मिता सेन पेपराजी को अपने बेटे के साथ इंट्रोड्यूस करा रही है। सुष्मिता की इस भावना को फैंस बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने ये भी कह दिया कि सुष्मिता जी आप प्रेरणा हो। वही दूसरे यूजर ने लिखा आपने एक मिसाल कायम किया है। ये सच है कि सुष्मिता अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत ही प्यार करती है और उनके प्रति एक माँ होने का सारे फर्ज निभाती है। सुष्मिता अक्सर सोशल मीडिया पर बेटियों के साथ अपना बॉन्ड भी शेयर करती रहती है। सुष्मिता सेन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो हाल ही में उन्होंने रोमन शॉल के साथ उनका ब्रेकअप हुआ था। सुष्मिता लंबे समय से रोमन के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते के टूटने के बाद भी बेहद मजबूती से खुद को संभाला था। वॉक फ्रॉन की बात करें तो वो हाल ही में आर्या सीजन 2 में नजर आई थी। दर्शकों को ये वेब सीरीज बेहद पसंद आई थी। खबरें हैं कि सुष्मिता जल्द ही आर्या के 3rd सीजन की शूटिंग शुरू करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।